Assalamualaikum dear students, my name is Anjali and I am your manager. Class 10 का exercise 3.2 कर रहे थे. Question number 2 के हमने कुछ parts कर लिए थे, जब उसके last part complete करेंगे. Part number 6 and part number 9 last के part हैं बस. ये दोनों part हमारे पास same हैं, तो हम इसका last part कर लेंगे. Part 9. वो हमारे पास है x plus 5 को इक्वल क्वेश्चन नंबर x plus 5 को क्यूब माइनस x माइनस 3 को क्यूब ओवर x plus 5 को क्यूब प्लस x माइनस 3 को इज इक्वल टू 13/14. अब इन पार्ट्स में हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड से जैसा पहले बता रहे थे दोनों साइड से हम कंपोनेंट थ्योरम और डिवाइडर थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंट और डिवाइडर. जब हम लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या है x plus 5 होल क्यूब माइनस x माइनस 3 होल क्यूब. इस इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे नीचे वाले के साथ प्लस x plus 5 होल क्यूब प्लस x माइनस 3 होल क्यूब डिवाइडेड बाय और नीचे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे x plus 5 होल क्यूब माइनस x माइनस 3 होल क्यूब. यानी मैं फर्स्ट वैल्यू उसको माइनस कर देंगे सेकंड वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू से x plus 5 होल क्यूब प्लस x माइनस 3 होल क्यूब. ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या करेंगे 13 प्लस 14 ओवर 13 माइनस 14. अब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं x plus 5 होल क्यूब माइनस x माइनस 3 होल क्यूब बाय प्लस से अंदर साइन चेंज नहीं करेंगे प्लस x plus 5 होल क्यूब प्लस x माइनस 3 होल क्यूब डिवाइड करेंगे x प्लस 5 होल क्यूब माइनस x माइनस 3 होल क्यूब. अब भाई साइन माइनस क्या है अंदर चेंज करेंगे इससे सब प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस x प्लस 5 होल क्यूब इससे सब प्लस है तो माइनस हो जाएगा x माइनस 3 होल क्यूब. 14 में 13 ऐड करेंगे तो 27 डिवाइड बाय नीचे प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा 14 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा और 14 में 13 करें तो 1. अब इसे करेंगे क्लास x प्लस x माइनस 3 और x माइनस 3 होल क्यूब होल क्यूब सेम है साइन डिफरेंट तो ये क्रॉस नीचे x प्लस 5 और x प्लस 5 क्रॉस. अब जो रिमेनिंग हमारे पास रह गया वो रह गया x प्लस 5 होल क्यूब एंड x प्लस 5 होल क्यूब. एक ये और एक ये प्लस प्लस और एम 1 1 एंड 1 2 x plus 5 whole की cube divided by नीचे देखें minus minus plus sign बड़ी वैल्यू का तो minus 1 1 2 x minus 3 whole की cube which is equal to 19/27. उसके बाद हमने देखा ये 2 2 से क्रॉस हो रहा था और ये माइनस है इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएंगे तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा x plus 5 होल क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 3 होल क्यूब व्हिच इज इक्वल टू 27. ये माइनस माइनस है क्रॉस ये 2 इज टू द क्रॉस रिमेनिंग हमारे पास ये रह गया. अब ये क्यूब है तो क्यूब को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड. तब हम क्या लेंगे क्यूब रूट तो क्यूब रूट लिया हमने x प्लस 5 होल क्यूब का और x माइनस 3 होल की क्यूब का इज इक्वल टू 27 का भी क्या लेंगे क्यूब रूट लेंगे. इन दोनों के क्यूब क्यूब रूट से क्रॉस तो हमारे पास आया x प्लस 5 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 27 का क्यूब रूट लेंगे तो आएगा हमारे पास 3. अब ये साइड का क्या हो रहा है डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई x plus 5 is equal to 3 into x minus 3. अब ये as it is x plus 5
5 is equal to 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x minus 3 is 9। अब हम x वाले एक साइड पे लेंगे और कांस्टेंट एक साइड पे लेंगे। 3x यहां पे क्या हो रहा है, प्लस है, इक्वल टू साइड में जाएगा माइनस x minus 3x इज इक्वल टू माइनस 9 इस साइड पे है, प्लस 5 इक्वल टू साइड पे इधर आ जाएगा क्या जाएगा माइनस 5। प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, लेकर 3 में से मान तो 2x इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस साइन बढ़ेगा, लेकर 9 एंड 5 14, ये माइनस माइनस से क्रॉस 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जा रहा क्या होगा डिवाइड 2 से 14, तो x हमारे पास क्या आया 7। ये हमने क्या करना था फाइंड आउट करना, ये हमारा पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 6 में भी हम सेम करेंगे, पहले ओपन कर देंगे और फिर इसी तरह जब जो प्लस करेंगे तो जो काट रहे हो काट कर देंगे, जो माइनस जो ऐड हो रहे हैं उसको ऐड कर देंगे, और दूसरी साइड में भी हम सेम इसी तरह करेंगे। अब उसके बाद और जब लास्ट में हम किसका लोग लिया था क्यूब रूट, लेकिन पार्ट नंबर 6 में आएगा स्केयर रूट। जब हम स्केयर रूट लेते हैं तो एक जो कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ हम प्लस और माइनस ऐड करते हैं। जब भी हम स्केयर रूट लेते हैं तो जो जैसे पार्ट नंबर 6 में करेंगे तो जब कॉन्स्टेंट होता है जब उसका स्केयर रूट लेते हैं तो हम प्लस और माइनस लगाते होते हैं उसके साथ। ये रूल है कि जब हम ओपन करेंगे तो x 2 टाइम्स ओपन होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो हमारे x को जो उसके हमारे आंसर आएंगे 2 आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। सिर्फ एंड से जाके होगा आई थिंक यहाँ पे 5 आता है, जब हम स्केयर रूट लेते हैं तो आता है प्लस और माइनस। तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे ऐसे ही x plus 5 over x minus 3 is equal to plus 5, एक बार वो हो जाएगा ब्रेक बार हो जाएगा x plus 5 over x minus 5 is equal to minus 5, मतलब एक बार प्लस में ओपन कर देंगे और एक बार माइनस में ओपन कर देंगे। ये रूट था तो क्यूब रूट ओपन नहीं होता, सिर्फ स्केयर रूट ओपन होता है। उसके बाद वीडियो वाले जो फॉर्मूला है हमारे पास प्लस
x square minus p square under root divided by अब नीचे वाले का लेंगे x square plus 8p square under root minus x square minus p square under root अब ये minus है minus अगर open करेंगे तो sign change इसके साथ plus है तो minus हो जाएगा x square plus 8p square under root इसके साथ plus है minus हो जाएगा x square minus p square under root is equal to 3 and 1 4 over plus minus minus sign बढ़ी value का 3 बढ़ी है उसके minus और minus आएगा 3 and 1 2 अब देखें x square minus p square same है under root नहीं है sign different है cross नीचे x ये cross ऊपर क्या हो जाए plus हो रही है बाकी remaining value पर same है 1 and 1 2 x square plus 8 p square under root divided by नीचे देखिए माइनस एंड माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का 1 का 1 2 x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू आया हमारे पास 2 2 जा 4 तो आया हमारे पास माइनस 2 इसको अगर हमने देखा ये 2 इस 2 से क्रॉस हो रहा था और ये माइनस इस माइनस से तक ऐड होकर प्लस हो जाएगा तो रिमेनिंग हमारे पास आया x स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे वो जो सबसे क्रॉस और मेनिंग हमारे पास सेट में आया 2 अब पहले हम स्क्वायर और क्यूब खत्म कर रहे थे अब हमें अंडर रूट को खत्म करना है तो अब हम क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड x square plus 8p square under root whole का square over x square minus p square under root whole का square left hand side का square area right hand side में मिलेंगे 2 का square ये square under root से cross ये square under root से cross तो x square plus 8p square over x square minus p square is equal to 2 4 अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 5 जाके मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर इज इक्वल टू आया 4 इनटू x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर इज इक्वल टू आया 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर माइनस 4 को p से मल्टीप्लाई किया तो 4p स्क्वायर और हम x वाली साइड पे ले जाएंगे और p वाली साइड पे ले जाएंगे तो x स्क्वायर अब 4x के साइड पे प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 की साइड पे पहले ही था और ये 8 इस के साइड पे प्लस हो रहा है इक्वल इस साइड पे आ जाएगा रहेगा माइनस माइनस 8p स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 4 का 4 में से मान तो 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस साइन बढ़ी वैल्यू का माइनस का या एट एंड फोर ट्वेल्व पी स्क्वायर अब माइनस थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर क्या होगा डिवाइड माइनस माइनस से करो थ्री फोर जा आठ बैल एक्स स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू आया फोर पी स्क्वायर अब स्क्वायर हमें सिंपल चाहिए तो क्या लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड x square under root is equal to a 4p square under root x square cross is equal to a plus minus 4 का जब हम under root लेंगे तो 2 और p का square cross तो p आ जाएगा x one time आया हमारे पास positive 2p और one time आया minus 2p तो ये हमने find out कर रहा था इसी तरह का same part part number 7 है आज की क्लास इतना ही अब next video के अंदर हम new exercise start करेंगे